हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इसराइल के जो वॉर की बातें हैं उसके बारे में। सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा एक्चुअल में दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। काफ़ी हद तक यहाँ पर मिसाइल्स की यहाँ अटैक हुए हैं और ईरान ने इसराइल के ऊपर 300+ ड्रोन से मिसाइल्स लॉन्चेस की हैं, जैसे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसराइल ईरान वॉर न्यूज़ लाइव अपडेट्स। इसराइल सेज 99% ऑफ मोर देन 300 ईरानियन ड्रोन हैव बीन इंटरसेप्टेड। तो यहाँ पर अटैक तो हुआ इसराइल के ऊपर और ईरान ने यहाँ पर अटैक किया, लेकिन उस अटैक को इसराइल का कहना है कि उन्होंने 99% मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया और उसका इम्पैक्ट इसराइल के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से ये है कि यहाँ पर जो इनिशियल रीजंस हैं, इनिशियल रीजंस बहुत सारे बताए जाते हैं कि ईरान यहाँ पर जो बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंडिंग करता है, उनको हथियारों की सप्लाई करता है, पैसों की फंडिंग करता है। उसमें हमस भी है, हिजबुल्ला भी है, हिजबुल्ला है हजीबुल्ला, जो भी एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे याद, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस बात से। दो तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह के। और फिलहाल यहाँ पर ईरानियन एक ऑफिस के ऊपर सीरिया में इसराइल के अटैक से वहाँ पर हमला हुआ, वो अटैक हुआ। तो ये सारी बातें, टेंशन्स लगातार चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट है और इसी वजह से यहाँ पर दोनों बीचों के बीच ये टेंशन बढ़ी। और टेंशन इन दोनों कंट्रीज के बीच बढ़ी, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो इंडिया में ट्रेड करते हैं वो उनसे ज़्यादा टेंशन में हैं जितना टेंशन में यहाँ पर इसराइल और ईरान में रहने वाले लोग हैं एक्चुअल में। और ये बातें आती हैं कि विवेक भाई अब होगा क्या इस चीज़ का, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी सबको देना चाहता हूँ जो भी अपने फॉलोअर्स हैं कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है। सबसे पहले तो आप याद करो, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई क्या वो खत्म हो गई अभी तक? अभी तक खत्म नहीं हुई, लगातार चल रही है। और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इनिशियली थोड़ी सी इसी तरह का डर का माहौल बना, 1 मंथ निकल गया, 1 मंथ के बाद मार्केट ने समझ लिया कि कोई फर्क नहीं है। जो बाकी कंट्रीज हैं वो इन दोनों कंट्रीज के बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, किसी ने भी अपने वॉर प्लेन्स नहीं भेजे हैं। और जब बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता और चीज़ों को नॉर्मलाइज समझ लिया गया कि ये वॉर चलती रहेगी और अभी तक भी चल रही है, 2 ईयर्स हो गए हैं और मार्केट के ऊपर कोई फर्क नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सेम ही जब यहाँ पर इसराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया, रिस्पॉन्स में जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था, उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर बंदी बनाए गए थे, तो यहाँ पर इसराइल ने जब अटैक किया और जब वॉर हुई, वॉर के बाद भी सब लोगों का इसी तरह से डर डर का माहौल बना कि विवेक भाई अब क्या होगा, मार्केट का क्या होगा। तो तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, रशिया यूक्रेन वॉर का ही एग्जाम्पल दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वॉर भी चलती रहेगी और वॉर चलने के बावजूद मार्केट के ऊपर डर का माहौल खत्म हो जाएगा, चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। वॉर फिर भी चल रही है, दोनों ही वॉर लगातार चल रही है, इसराइल और गाज़ा के साथ भी की और यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भूल गए हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुई। अभी वापस से सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि इसराइल और ईरान, विवेक भाई ये तो बड़ी कंट्रीज हैं, अगर इनकी वॉर बढ़ गई तो क्या होगा? इनकी वॉर बढ़ गई तो रशिया और यूक्रेन भी तो छोटी कंट्रीज नहीं थी, किसी को क्या फर्क पड़ता है? बस एक चीज का फर्क पड़ता है कि ईरान और इसराइल की वॉर अगर बढ़ती है, जिसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ईरान ने 300 मिसाइल्स यहाँ से अपनी तरफ से छोड़ी और सारी की सारी ही हवा में ही एयर स्ट्राइक करके वापस रोक दी गई, उनको वहीं खत्म कर दिया गया। जैसे महाभारत के जब महाभारत आता था, जब हम छोटे थे तो एक तरफ से कौरव बाण चलाते थे, दूसरी तरफ से पांडव चलाते थे, हवा में दोनों टकराते थे और दोनों वहीं गिर जाते थे। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि ये ऐसे हवा में क्यों टकराते हैं और आपस में ही क्यों टकराते हैं, ये एक दूसरे को लगते क्यों नहीं है? तो वो भी उस टाइम की साइंस थी, जो आज की ये साइंस है पहले से ही इंडिया के पास ही सारी साइंस रही हैं। और जो रामानंद सागर थे उन्होंने इस बात को अच्छे से समझ भी पाए कि इस तरीके से ये चीज़ होती होगी जो अभी होती है। तो यहाँ पर ईरान ने 300 से ज़्यादा अपनी तरफ से मिसाइल दागी और उधर से सारी सारी हवा में ही उनको टकरा के गिरा दिया गया। तो सेम ही सिनेरियो है कि दोनों में से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा, दोनों अभी भी वहीं खड़े हुए हैं, योद्धा हैं दोनों, कौरव पांडव, या फिर कौरव पांडव का नाम देना गलत है, जो भी नाम हम उनको दें। तो यहाँ पर
इन सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं है। पॉइंट ये आता है कि बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी क्या, क्यों होंगी, किसी को क्या आफत आई है, रशिया क्यों यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर अमेरिका डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर चाइना क्यों होगा, इंडिया क्यों होगा। रही बात ये कि जो गल्फ कंट्रीज में जो अपने मुस्लिम समुदाय की कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी क्या, जब गाजा पर अटैक हुआ तब इन्वॉल्व नहीं हुई, जो बिल्कुल ही बॉर्डर्स मिले हुए हैं, बीच में समुद्र भी नहीं है, तो अभी क्यों होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर यूएई या फिर जो सऊदी अरेबिया है या ओमान है, मस्कट है, या फिर इस तरह की जो भी छोटी बड़ी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। देर इज़ नो रीज़न, सबको अपनी ग्रोथ प्यारी है। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये ग्रोथ का टाइम चल रहा है, हर किसी को एक बात का पता है। खासतौर से जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हैं, उन्होंने एक बात को समझा है कि लास्ट 20-25 ईयर्स में जिस तरीके से चाइना ने ग्रो किया है, चाइना के ग्रो करने का सिर्फ एक ही रीजन रहा, मेन रीजन कि उसने ग्रोथ के साथ में अपने आप को किसी भी वॉर से दूर रखा। सेम ही पॉलिसीज यहाँ पर इंडिया अप्लाई कर रहा है, और इंडिया जिन कंट्रीज के साथ यहाँ पर टाइप बना के रखे हुए हैं उनको भी इसी चीज को सजेस्ट करता है कि आप किसी भी तरह की डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना हो तो बेटर है। और यही मैसेज एक दो बार रशिया को दिया भी गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान की 300 मिसाइल्स के फेल होने के बाद में ईरान वापस से इस तरह की कोई यहाँ पर अपनी तरफ से इस तरह का कोई भी एक्शन लेगा कि वापस से वो इस तरह की एयर स्ट्राइक करे और उसके हथियार गिरा दिए जाएं। इसमें सिर्फ शर्मिंदगी और इंसल्ट, डिसरेस्पेक्ट और अपनी कमजोरी दिखाई देना, सामने वाले की ताकत नजर आना, सिर्फ यही चीजें नजर आएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक और बात, यहाँ ईरान को कुछ मिलेगा भी नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान के बदले, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कराएगा ऐसा लगता है। और इसराइल को भी कुछ नहीं मिलेगा अगर इसराइल यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करेगा, तो इसराइल भी अपना नुकसान ही कराएगा। दो कोई भी कंट्री, चाहे वो किसी भी रीजन से कंफ्लिक्ट में हो, अगर वो वॉर की सिचुएशन में आती है तो उन दोनों कंट्रीज को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, इन दोनों कंट्रीज से अलग जो भी वॉर में है, उनसे अलग जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी स्ट्रांग हो जाती हैं। वो स्ट्रांग इसलिए नहीं हो जाती कि उनकी पावर बढ़ जाती है, उनकी पावर सेम रहती है, लेकिन जो कंट्रीज यहाँ पर वॉर में इन्वॉल्व होती है उनकी पावर कम हो जाती है। तो इसलिए दूसरी कंट्रीज स्ट्रांग होती है, और कोई भी नहीं चाहता कि उनके दुश्मन कंट्रीज जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो वो अपने आप से ताकतवर इसलिए बन जाएं क्योंकि आप कमजोर हो गए। तो यहाँ पर जहां तक ग्लोबल सप्लाई इंटरप्ट होने की बात है, तो टेम्परेरी इंपैक्ट आ सकता है, क्रूड वापस से $100 के आसपास पहुंच सकता है, 110 पहुंच सकता है, लेकिन अगेन वो भी टेम्परेरी होगा, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर एक स्पाइक आई, वापस से नीचे आ गया, सेम ही चीज वापस से नजर आएंगी। और जो इंडिया को लेकर प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के ऑयल के प्राइसेस की बात है, क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है। इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब पहले भी प्राइसेस बढ़े थे तो इंडिया ने रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेज कर लिया था, क्रूड परचेज कर लिया था। अभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है और ईरान कहता है कि भाई हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, और ऐसा कुछ भी रीज़न नज़र नहीं आता कि ईरान इंडिया को क्रूड सप्लाई करना बंद करेगा जो भी प्री डिसाइडेड रेट्स होंगे। और अगर किसी रीजन से वहाँ पर इसके प्रोडक्शन में थोड़ी सी रुकावट आती भी है तो रशिया से ले लेंगे, और 15-20 दिन का ऊपर नीचे तो हमेशा चलता है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट में कोई भी गिरावट इस रीजन से आती है वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। लेकिन जब मैं अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, नेवर एवर बाय एनीथिंग जो आपकी स्ट्रेटजी के बेस पर ना हो। So, जब भी आप कुछ भी बाय करो आपकी स्ट्रेटजी के बेस पर होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी आपकी वेल प्रूवन और बैक टेस्ट के बेस पर होनी चाहिए कि आपने पहले उसको चेक किया हो, पेपर ट्रेडिंग के बेस पे बैक टेस्ट किया हो, आपने पिछले बहुत सारे सालों के चार्ट्स उठाकर देखे हो ट्रेडिंग व्यू पर या जो भी आप चार्टिंग टूल यूज करते हो, वहां पर आपने देखा हो कि इस तरह की सिचुएशन पहले आई तो क्या हुआ, फिर इस तरह की सिचुएशन पहले आई तो क्या हुआ। काफी स्ट्रेटजीज मैंने भी सिखाई हुई हैं, 6-7 स्ट्रेटजीज ऑनलाइन कोर्स जो अपलोड किया हुआ उसमें भी सिखाई हुई हैं, उससे अलग भी 4-5 स्ट्रेटजीज की अलग से वीडियोज यूट्यूब पर डाली हुई हैं, आप उनको देख सकते हो, वो बैक टेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक आप बाय नहीं करोगे अगर वो बैक टेस्ट स्ट्रेटजी के बेस पर नहीं है, स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। सेकंड, स्ट्रेटजी फॉलो होने के बाद भी जब वो बिजनेस भी समझ में आए, फाइनेंशियल समझ में आए, टेक्निकल समझ में आए, उसके बाद भी 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सारी स्ट्रेटजीज के पूरा होने के बावजूद भी कोई स्टॉक बाइंग करने के बाद नीचे जा सकता है और लंबे टाइम तक नीचे जा सकता है, और बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है टारगेट अचीव ना हो। तो वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा बढ़ सकता है और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। डोंट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते चलो।
टेम्परेरी इम्पैक्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आता। और अगर मीनिंगफुल इम्पैक्ट आया, सपोज 3-4% मार्केट में अच्छे स्टॉक्स गिर गए, तो रिकवरी फास्ट आ जाएगी, ऐसा भी नजर आता है। क्योंकि 4% स्टॉक प्राइस का नीचे खुलना बड़ी कंपनीज का, तो FIIs, DIIs वो सबको सस्ता नजर आता है। क्योंकि अगर ये 4% की रिकवरी 2 months में भी आ गई, तो उनके लिए एक अच्छा खासा 4% का 2 months में गेन नजर आता है। इसी तरीके से मार्केट को देखी जाती है। हमेशा जब भी मार्केट में न्यूज आए, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि उस न्यूज का इम्पैक्ट परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर इम्पैक्ट परमानेंट है तो सतर्क होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है, आपको अपनी यहाँ पर स्ट्रेटजीज चेंज करने की जरूरत है, अपने जो प्लानिंग है, ट्रेडिंग का प्लान है, उसको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी भी न्यूज का इवेंट का इम्पैक्ट टेम्परेरी है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी दोनों तरह से, अगर पॉजिटिव न्यूज है और उसका इम्पैक्ट टेम्परेरी है तो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, और अगर नेगेटिव न्यूज है उसका इम्पैक्ट टेम्परेरी है तो यहाँ पर बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ प्रैक्टिस करते रहो, समझदार बनने की जरूरत है मार्केट में। आप समझदार हो और ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे जो आपकी शार्पनेस है वो बनी रहे। और मैं भी इस तरह के पॉइंट्स जब भी आते रहेंगे आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, अपना व्यू शेयर करता रहूंगा। लेकिन मेरे किसी भी व्यू को यहाँ पर आप रिकमेंडेशन लेकर नहीं चलो, बल्कि लर्निंग लेकर चलो, तो मुझे भी आपको सिखाते रहने में मजा आएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।